सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है आप लोगों के, 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, तो लगभग हर साल आपके फोर्थ सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन आया ही आया है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले ईयर में वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और जो आ सकते हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन हु नोज टू लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज भी जानता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइलिंगुअल। इसके बाद देखिए दूसरा है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, जैसे कि वह हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, चाइनीज भाषा भी जानता है, फ्रेंच भी जानता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट कहेंगे। फिर है तीसरा अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, इसे हम क्या कहेंगे, ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है। जैसे कि आप सुनते हो खासकर क्रिकेट में ऐसा होता है, बारिश हो जाने के कारण या किसी कारण जो मैच है वो ड्रॉ हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोई भी पार्टी नहीं जीती, कोई भी टीम नहीं जीती, मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, तो इसे हम कहते हैं, स्पेलिंग क्या होता है, डी आर ए डब्ल्यू एन, ड्रॉन, इस तरीके से होता है ये डी आर ए डब्ल्यू एन, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, ड्रॉ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि वह व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं, निरक्षर, उसे कहते हैं इंग्लिश में इलिटरेट। क्या कहते हैं, इलिटरेट। स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैटालिस्ट। फिर है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसके बाद है अगला अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, वह जानवर जो मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं, कार्निवोरस। इसके बाद आठवां है अ ग्रास ईटिंग एनिमल, वह एनिमल जो घास खाते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं ना, तो उन्हें हम शाकाहारी को क्या कहते हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, इसके अलावा हिरण हुआ, गाय बकरी, ये सब क्या खाते हैं, ये सब ग्रास यानी कि हरे हरे पेड़ पौधे या हरे घास खाते हैं, तो इन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। और जो मांस को खाते हैं जो जानवर, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। इसके बाद देखिए नौवें नंबर पर है विच इज अगेंस्ट लॉ, जो लॉ के अगेंस्ट है वो क्या होगा, इलीगल होगा, और जो लॉ के अगेंस्ट नहीं बल्कि लॉ के फेवर में होगा वो क्या होगा, लीगल होगा, और जो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के विरोध में कोई काम हम करते हैं तो उस काम को क्या कहते हैं कि ये काम इलीगल है। फिर है दसवें नंबर पर मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उसको क्या कहेंगे, होमिसाइड। मर्डर ऑफ सेल्फ, मर्डर ऑफ सेल्फ यानी कि आत्महत्या, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सुसाइड। मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या को क्या कहेंगे, मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर, पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड, यानी कि किंग के मर्डर को क्या कहेंगे, रेजिसाइड। इसके बाद है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी कि अगर किसी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद से लिखा हुआ। और दूसरा यहाँ पर देखिए 16वें नंबर पर है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन इल्स, और अगर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी और ने लिखा है तो वह कहलाएगा बायोग्राफी। फिर 17 नंबर पर आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जैसे कि हमारे देश से कपड़े दूसरे देश में क्या हो रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं, हमारे देश के कपड़े दूसरे देश में निर्यात हो रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कपड़ों का निर्यात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहेंगे। अब अगर वहां से ला रहे हैं तो क्या कहेंगे, आयात कर रहे हैं, कोई चीज मंगा रहे हैं, जैसे कि जो तेल है वो क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल, इसको हम क्या करते हैं, आयात करते हैं ना, तो ये हो गया इंपोर्ट, और जो भेजते हैं वो क्या होता है, एक्सपोर्ट। फिर है 18वें नंबर पर अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, ऑलरेडी आप लोगों ने भी देख लिया है। फिर है 19वें नंबर पर अ स्टडी ऑफ एनिमल्स,
एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? वनस्पति के अध्ययन को उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। इसके बाद है आई स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। चिड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। फिर है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता होते हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी होती है, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, तो उनके क्या होते हैं? स्पोक मैन होते हैं, यानी कि जो उनके बिहाफ पे उनका बयान जारी करते हैं कि किसी भी बात के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर वो अपनी राय कैसे रख रहा है। तो उनके पास तो समय होता नहीं है, तो जो उनके स्पोक पर्सन होते हैं वो उनकी बात को रखते हैं, तो इस तरीके से स्पोक्स मैन हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है बुक विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, ऐसी बुक जिसके ऑथर का कुछ पता ना हो तो उसे हम कहेंगे एनोनिमस। क्या कहेंगे? एनोनिमस। फिर है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी। ऑलरेडी मैंने बता दिया है वनस्पति विज्ञान कहते हैं इसको। फिर है समवन हु परस्यूज अ स्टडी और स्पोर्ट एज ए पास्ट टाइम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में स्पोर्ट को, या उसने स्टडी को और स्पोर्ट को उसने खेला हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एमा ट्योर कहेंगे। फिर है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर एट ए परफॉर्मेंस, आप देखते हो कोई भी टीवी में रियलिटी शो आता है, डांसिंग सिंगिंग, तो ढेर सारे लोग बैठ के देखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं। तो इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं, जो कि उस शो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फिर है अ लिस्ट ऑफ बुक, बुक्स की लिस्ट को क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा है लेकिन उसके बदले उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको हम कहते हैं ऑनोरेरी, यानी कि ऐसा वर्क जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। फिर है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, हेट यानी कि घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। 2019 में ये पूछा गया है। फिर है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, यानी कि दवा जो जर्म्स को मार देती है, कीटाणु को मार देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जर्मीसाइड। तो दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हुए, उनको भी मैं कराऊंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने आपके इंग्लिश में पूरा पढ़ा दिया है, टीचिंग मेथड अप्रोच, इसके अलावा टेंस पूरा पढ़ा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा पढ़ा दिया है, प्रीपोजिशन पूरा पढ़ा दिया है, कंजेक्शन पूरा पढ़ा दिया है, अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं पूरा पढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद भी जितने भी चैप्टर सब कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक चीज इंग्लिश की तैयारी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बेहतर करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के अंदर जो डर है इंग्लिश का वो बिल्कुल निकल जाए, आप लोग बहुत अच्छा नंबर इंग्लिश में गेन करें। इसलिए रेगुलर में वीडियोस लेकर के आ रही हूँ इंग्लिश की, और मैं एग्जाम तक लेकर के आऊंगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए हैं, इंग्लिश भी लगभग कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं इसकी वीडियोस रोज लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो इंग्लिश में, और आप सभी लोग इंग्लिश में 25 तक पहुंचे, ये टारगेट होना चाहिए आप लोग का। और इसके लिए मैं रेगुलर मेहनत कर रही हूँ, आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में जरूर बताया करें। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर पर है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते वो क्या होगा? इनकॉरिजिबल। फिर है यह इनकॉरिजिबल हो गया। फिर है 31 नंबर पर दैट कैन नॉट बी कनक्योर्ड, यानी कि जिसे हम जीत नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अनकनक्योरेबल। फिर है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है अ पर्सन अनेबल टू पे डेबिट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। फिर है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि ऐसी चीज जो लॉ के विरोध में है तो वो क्या होगा? इलीगल ही तो होगा, जो लॉ के अगेंस्ट होगा। फिर है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, यानी कि वह व्यक्ति जो पब्लिक में एक पावरफुल स्पीच देता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम ओराटोर। क्या कहेंगे? ओराटोर। फिर इसके बाद है अगला 35 नंबर पर है वन हु लिव्स इन वेजिटेबल्स,
यानी कि जो वेजिटेबल्स पर जीवन बिता रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वेजिटेरियन। फिर है 2017 में पूछा हुआ है, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने बोलने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेम्पोर। क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। फिर 37 नंबर पर है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह विद्यमान है, उसे हम क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। तो ओमनी खाली याद रखना, प्रेजेंट बाकी यही से हम ले लेंगे। तो ओमनी प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हर जगह विद्यमान है, वो क्या है? ईश्वर है। फिर है वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहेंगे? ओमनी सिएंट। क्या कहेंगे? ओमनी सिएंट। फिर है 39 नंबर पर, वन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत खाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ग्लूटन। क्या कहेंगे? ग्लूटन कहेंगे। अब इसके बाद देखिए 40 नंबर पर है, यहाँ पर ये देखिए 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये 40 और 41 नंबर। अब देखिए 40 पर है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज अनदर, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश को जा करके दूसरे देश में रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग चीजों के अम्बेसडर होते हैं, जैसे कि यूनिसेफ के अम्बेसडर हुए, अपने देश में कोई बनाया गया है, वो जा करके दूसरे देश में अपने देश को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे ब्रांड के भी अम्बेसडर बनाए जाते हैं, अलग अलग ब्रांड के। तो एम्बेसडर का मतलब होता है कि वह जा करके अपनी बातों को रखते हैं पूरे देश के बिहाफ में। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे देश के बिहाफ में जा करके ये अपनी बात रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं अम्बेसडर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जैसे आप लोग सुनते हैं कि बहुत सारे ब्रांड के क्या होते हैं? एम्बेसडर होते हैं, बहुत सारे जूतों के, अलग अलग हीरो या एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत सारी चीजों का प्रचार करते हैं, परफ्यूम का प्रचार करते हैं, शैम्पू का प्रचार करते हैं, वो क्या होते हैं? उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, किसी शैम्पू के, किसी भी तेल के, किसी जूते के, किसी कपड़े के, क्या होते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। आजकल तो ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करते हैं, तो बहुत सारी एप्स हैं, तो ये सब क्या है? इनका भी प्रचार करने वाले कोई ना कोई चेहरे हैं, कोई ना कोई हीरो हीरोइन होता है, या फिर कोई क्रिकेटर होता है, या फिर अदर गेम के लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर क्या करता है? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने कंट्री का भी, ब्रांड को का भी क्या करता है? वो प्रचार करता है, जो ब्रांड का भी प्रचार करता है उसको भी हम क्या कहते हैं? एम्बेसडर ही कहते हैं। फिर है वन हु बिलीव्स इन फेट, उसे क्या कहेंगे? फैटलिस्ट कहेंगे, यानी कि जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो उसको मैंने करा दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए आप हमसे बता सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको आठों विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको सारी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में आपको आठ के आठों विषयों की पीडीएफ मिलेगी, पूरी की पूरी पीडीएफ के साथ साथ आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ मिलेगी। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके राजन और पवन के को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है पूरे का पूरा, वो विकल्पी क्वेश्चंस और अतिलेख उत्तरीय क्वेश्चंस को भी आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। हर एक विषय की एक मास्टर वीडियो भी आ रही है, उसको भी आप देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते चलिए, ताकि आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हम कर पाए, और अपना बेस्ट दे करके आप लोग भी एग्जाम में आए, जिससे आप लोग भी अच्छा स्कोर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे वीडियोस को इंग्लिश के देखते रहिए जो मैं बना रही हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से ऐसे बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।